अस्सलाम वालेकुम, ज़ोया मलाइका फैमिली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। और अभी जो है शाम का वक्त है और इस टाइम जो है बच्चों को आज हम ले जा रहे हैं थोड़ा बाहर, तो आप भी चलिए हमारे साथ। आ गए हैं पार्क में और बच्चे जो है मेरे झूला में लग गए हैं अपने, झूला रहे हैं। मलाइका तुम झूलो, मैं झूला दूं? टेढ़ा है थोड़ा, तो टेढ़ा है बेटा, लाइनिंग में नहीं है। झूला दूं? पैर फैलाइए, पैर फैलाइए। चलो अब तुम लोग स्लाइडिंग करोगी। क्या बोलेगा तुम, डर रही हो? ये तो आराम से कर रही है। अब बच्चे जो यहाँ के भी खुश हो गए हैं क्योंकि यहाँ भी है, सारे झूले भी हैं, स्लाइडर भी है, सीसो भी है, सारे हैं, तो बच्चे जो है बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पे आकर के। आओ उस तरफ से, लाइक आ जाओ। जो आप ही के पास जो, और ये इन लोग को देखिए, मलाइका, ये लोग दोनों जो है स्लाइडर के पीछे लगे हैं। ये जो है ना स्लाइडर, ये यहाँ पर से घूमता है ना, ये यहाँ पर से ऐसे ऐसे घूमता है, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। दौड़ लगा के पीछे दौड़ हो गया है। इधर आ जाओ बेटू, ये बच्चों का ही पार्क है। और यहाँ पे भी औरतें आई हुई हैं, सारे बच्चे अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, ताकि वो थोड़े झूले वगैरह झूल सके। और ये लेकिन इस पार्क में मुझे ये लगा कि पूरा पार्क जो है व्हाइट फ्लावर से भरा हुआ है, पूरा पार्क व्हाइट फ्लावर 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 है। और ये मलाइका को तो मैंने ऐसे ऊपर बैठा दिया क्योंकि दूसरी तरफ मैं बैठ गई हूँ, तो मलाइका ऊपर हो गई है और उसको नीचे अब कौन करेगा? आ मलाइका, पापा तो वहाँ पे बैठ कर है। मैं बैठ जाती हूँ तो मलाइका को नीचे करूँगी, थोड़ा नीचे करो मुझे। आप क्या बैलेंस में देखो ना, मैं बैठ के भी नहीं हूँ पर वहाँ पे तो कोई बैलेंस वाला है नहीं, मैं कैसे बैठू? मैं बैठूंगी तो मैं नीचे जाऊंगी और तुम ऊपर। बिल्कुल मैं उठूंगी तो फिर तुम कहाँ जाओगे? मैं इस तरह बैठ गई हूँ, मलाइका घर पे खड़ी है, अब मैं उठ जाती हूँ। नहीं होगा कुछ, देखो नहीं, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, नीचे रहेगा। अब मैं वहाँ पे बैलेंस करने के लिए होना चाहिए, यहाँ तो मैं भी नीचे बैठी होंगी मलाइका। अब क्या आएगा, मलाइका को ऊपर ऐसे ही रहना है? हाँ नीचे नहीं होना है क्योंकि तुम्हारे पीछे तो कोई है नहीं, तो फिर कौन करेगा? मुझे क्या पता। तो मोटे बंदे जोई जोई
गया, भागो। पार्क से शाम में सारे लोग फुटबॉल पे खेल रहे हैं। मलाई जो है पेड़ पे चढ़ी होगी क्या? चढ़ी होगी पेड़ पे। शाम में औरतें जो है वॉक भी कर रही हैं। तो ये शाम का वक्त था और मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चे जो है हमारे कम से कम वीक में 3 से 4 दिन तो बाहर जाएं, बाहर शाम में निकले, बाहर में खेले, ताकि उन्हें खुली हवा मिले, ताजी हवा मिले और वो लोग थोड़ा फ्री होकर अपना खेल सके। तो यही मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तीनों चारों गए थे हम लोग बाहर शाम में, और रास्ते में एक केक का शॉप भी मिल गया था। तो बच्चों की आज पार्टी हो गई है, बच्चों ने केक भी लिया है। और तो आज जो है मलाइका को है डोनट खाना था, तो वहां से और वहां पे मिल भी गया मुझे डोनट, तो फिर मलाइका को मैंने डोनट दिला दिया और जोया को जो है केक दिलाया है मैंने। तो आज का दिन तो शाम में तो अच्छा ही रहा अभी तक, और अभी स्टार्ट हुआ है मेरा शाम का डे, और ये अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो अभी ये जो है मेरे हस्बैंड बाहर में खड़े हैं और मैं और मेरे बच्चे जो यहाँ पे टेक रहे थे बिल, अब जा रही थी और रास्ते में जो है मेरी जो फेवरेट गुलाब जामुन की जो दुकान वो मिल गई, तो मैं वहाँ गई शाम में। लेकिन वहाँ शाम में सारे गुलाब जामुन ख़त्म हो गए थे और बाकी मिठाई मैं और नहीं खाती हूँ, मैं वहाँ का गुलाब जामुन ही मुझे पसंद था तो वो मुझे मिला नहीं। दूसरी दूसरी मिठाइयाँ थी लेकिन मैंने वो नहीं बाय की। और फिर हम लोग चले गए वहाँ से, हम लोग वापस जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया बच्चे लोग घूम फिर लिए, तो अब हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तो हम लोग अब वापस आ गए और सोया मलाइका तो आज बहुत खुश हो गए क्योंकि उस उन लोग को हो गया है पार्टी। आज बोली मम्मी ने आज उन लोग को मम्मी पापा ने आज शाम की पार्टी दी है तो उन लोग बहुत खुश है। क्या आज पार्टी हो गई शाम की? आज दोनों की शाम की पार्टी हो गई ना? हाँ। तो आज जो इन लोग अभी अपना पार्टी इंजॉय करेंगे, आज उन लोग बहुत ज्यादा खुश है इन लोग, तो आज इन लोग की शाम की पार्टी मुकम्मल हो गई है। अरे फाइनली, तो चलो फिर ठीक है, एंजॉय करो। अभी शाम में मैं वापस आई, फिर उसके बाद मुझे अभी टाइम था पढ़ाने में बच्चों को, तो मैंने ये अभी फ्रिज बोला कि साफ कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ये सोच रही थी कि साफ करना है, फ्रिज टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैं वही साफ करने बैठ गई थी। और ये मैं 2 कप के खा रही थी इसलिए कि जोए की आदत है जब वो दूध नहीं पीती है उसको मन नहीं करता है ना, तो वो क्या करती फ्रिज में जाके छिपा देती, तो मम्मी ना देखे। लेकिन मैं उसे समझाती हूँ कि दूध तुम्हें पीना चाहिए, अभी तुम बच्चे हो और बच्चे जो अभी तक दूध नहीं पियेंगे या फिर विटामिन सी कुछ चीज नहीं लेंगे तो फिर वो लोग को पढ़ने में भी ये है ना तकलीफ हो जाएगी, इसलिए उन लोग को दूध पीना बहुत जरूरी है। और ये साफ करते करते क्या हुआ, मेरा जो रैक है वो उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो वो चढ़ा और जोया भी जो है वो मेरी हेल्प कर रही थी। और क्या होता है कि बेटियों की शायद ये नेचर में ही है कि आप ना भी कहें ना तो भी वो घरेलू काम में थोड़ा लगी जाती हैं, तो मैं मना भी कर रही थी लेकिन जो है अपना मम्मी नहीं मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो वो अपना लगी हुई थी। और यहाँ जो है मैं कुछ जो अपना सीजनिंग वगैरह होता है ये सब मसाले वगैरह, तो वो मैं एक एक इकट्ठा करके रख देती हूँ ताकि मुझे जब चाहिए होता है मैं आसानी से उसे पैटी खा सकूँ। और ये मैं धो करके लेते आई वॉश करके, क्योंकि यहाँ पे पोछना उतना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने कहा नहीं इसे मैं वॉश करके लेते आती हूँ, तो ये इजी से वॉश करके वहाँ से किचन से मैं लेते आई हूँ। और ये मैं रख रही थी वॉश करके। और क्या होता है हर वीक में अगर आप पोछ दें फ्रिज तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, और ज़्यादा अगर उसे छोड़ देने से फ्रिज में ठंडापन भी नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा गंदा रखें फ्रिज या ज़्यादा टाइम उसे पोछे नहीं क्लीन ना करें तो फ्रिज ठंडा होना भी कम हो जाता है, इसलिए वीकली आप पोछ दें तो इसे आपका ठंडा भी होगा। और फ्रिज में जो होता है स्मेल आता है, ज़्यादा दिन नहीं आप पोछे ना तो फ्रिज में एक टाइप से स्मेल आने लगता है, तो इसीलिए आप क्या करें वीकली पोछ लिया करें तो वो स्मेल भी नहीं आएगा। मैंने ऐसे बॉय और मैं जो है रैक पे पेपर रख देती हूँ ताकि ना वो रैक का जो है वो ये ज्यादा गंदा ना हो, इसलिए मैं हर रैक पे देखिए पेपर रखा हुआ है मैंने ताकि रैक साफ रहे। और मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि फ्रिज खोलते हैं ना तो फ्रिज की एक जो स्मेल आती है वो होती है,
तो इसलिए मैं उसे वीकली साफ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ने बैठाई हूँ और मलाइका को देखे, उसे अगर थोड़ा देर आप छोड़ दें अकेले पढ़ने के लिए तो वो उसकी बदमाशियाँ देखे लगी हुई अपनी बदमाशियों में। और इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मलाइका को मैं अपने साथ लेके बैठा के पढ़ाऊँ, उसे छोड़ दूँ ना तो ये बहुत मुश्किल है उसके लिए भी, वो पढ़ भी नहीं पाएगी और सिर्फ खेलना होगा। तो मेरी यही ड्यूटी है डेली शाम में कि मैं उसे लेके अपने साथ बैठाती हूँ और उसे पूरा होमवर्क हो या याद कराना हो तो वो मैं करा देती हूँ। और ये देखिए हेमल लेके खेल रही है, तो कभी इधर करी कभी उधर करी है। और ये मैं रात का खाना बना रही थी, ये मैंने पलवल और आलू की सूखी भुजिया चढ़ाई थी। और ये बहुत इजी बनाना भी है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, सिर्फ हल्दी देते हैं और नमक देते हैं और एक मिर्ची काट दें और आराम से इसे बना लें सूखी भुजिया। और बच्चे तो ये सूखी भुजिया ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो ये मैंने रात में अपने सूखी भुजिया बनाई थी। और इसके पकने पे सिर्फ इस पे आप गुड़ मिर्च डाल दीजिएगा तो वो बहुत मज़ेदार की सब्ज़ी बन जाएगी, गुड़ मिर्च की फक्की डालें। और दूसरी तरफ मैं अपनी रोटी बना रही थी, तो ये मैंने रोटी और एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा के रखा है मैंने और एक तरफ रोटियाँ सेक रही हूँ मैं। और एक जो है मलाइका ने आज मुझसे ये एक फरमाइश की थी मलाइका ने कि मम्मी आजकल बच्चे क्या होते हैं कहीं भी कुछ देख लेना तो बस मम्मी मुझे भी ये चाहिए। तो मलाइका ने कहीं देखा था कि स्टार शेप में क्या किसी ने रोटी बनाया, तो मम्मी मुझे भी स्टार शेप में रोटी बना दे, तो वही मैं उसके लिए स्टार काट रही थी और ये स्टार शेप की उसके लिए रोटियाँ बनाई। और ये मेरी भुजिया जो है अभी चला रही हूँ मैं, इसे तैयार हो गई और यहाँ पे मैंने स्टार शेप की रोटियाँ उसके लिए बनाई है कि, और वो देख के बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे ये चाहिए था। तो यहाँ पे बच्चों का खाना हो गया था और मैं अब उन लोगों के लिए बिस्तर झाड़ दे रही थी ताकि वो लोग अब सो जाएं। और ऐसे भी रात में जब आप भी सोने जाएं तो बिस्तर ज़रूर झाड़ें क्योंकि रात में बिस्तर झाड़ के ही सोना चाहिए, एक तो नींद भी अच्छी आएगी और ये सुन्नत नबी भी है। तो ज़रूर से आप अपने बिस्तर झाड़ें। और बच्चे तो अभी वहाँ पे हैं, अभी उन लोग को भी मैं सुलाऊंगी। और मैं जो है अभी खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बाहर हैं, तो वो अब आएंगे तो फिर मैं उनके साथ खाऊंगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनके साथ ही खाना खाऊँ, एक तो सभी को साथ में बैठ के खाना चाहिए। तो ये हमारी ये थी मेरी रूटीन। और क्या होता है ना, अगर आपको पता हो कि किस टाइम में आपको क्या काम करना है, अगर आप अपना टाइमिंग बना लें अपना, उसी टाइम पे आपको हमेशा चलेंगे तो आपको क्या होगा, आपको इजी होगी और आपको सहूलत भी होगी कि आपने ये इस टाइम में मुझे ये काम करना है, इस टाइम में मुझे ये करना है। तो इससे आपका भी टाइम भी बचत होती है और आप टाइमली काम भी कर लेते हैं। और तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि टाइमली काम कर लूँ ताकि सारे काम जो है वक्त पे ख़त्म हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वक्त से चूक हो जाता है, तो वो कभी कभी, लेकिन ऐसे टाइमली काम कर टाइम सेट किया हुआ है कि हम मुझे ये इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में बच्चों को पढ़ाना है, इस टाइम में मुझे खाना बनाना है, इस टाइम में खाना होना चाहिए। तो इसी तरीके से मेरा डेली का रूटीन चलता है। तो आज का ब्लॉग जो मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें, आप अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।